अब जबकि मानसून विदा हो चुका है, शारदीय नवरात्र का व्रत भी समाप्त हो चुका है और जिले में पूर्णमासी तक चलने वाले दुर्गा पूजा महोत्सव का भी अंत हो चुका है। ऐसे में जिले में पिछले 24 घंटों से झमाझम बारिश हो रही है। उधर अगले 48 घंटों में मूसलाधार बारिश होने की मौसम विभाग की खास चेतावनी है। लोगों का कहना है कि यदि बरसात हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का होगा, क्योंकि किसानों के खेतों में धान की फसलें तैयार हो गई हैं, जिनकी कटाई का काम किसान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ज्यादातर प्रगतिशील किसान अपने खेतों में अगेती आलू की बुआई का काम भी शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान के असर से उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश होने की संभावना है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अमरनाथ मिश्र ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय तूफान के कारण अगले 48 घंटों में सुल्तानपुर और आसपास के जिलों में बारिश की संभावना है। आमतौर पर इन दिनों में बारिश नहीं होती है, लेकिन पिछले काफी समय से मौसम का पैटर्न बदला हुआ है। नतीजा यह है कि सुल्तानपुर समेत उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है।